चलिए इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 10वीं संस्कृत सब्जेक्ट संस्कृत असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 1। अधोलिखितम श्लोक पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित क केन विन्दते महत्। उत्तर लिखेंगे तपसा विदन्ते महत्। ख प्राप्नोति इति क्रियापदस्य पर्यायपदं श्लोकात् चित्वा लिखित। उत्तर विन्दते। ग नंबर मूर्ख इति पदस्य विसर्ग पदं श्लोके किं प्रयुक्तम्। उत्तर बुद्धिमान। घ बुद्धिमान इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययं लिखित। उत्तर प्रकृति प्रत्यय है बुद्धि मतुप। प्रश्न 2 संस्कृत भाषा उत्तरत। पहला कस्मात् उच्चतर पिता। उत्तर खात उच्चतर पिता। सेकंड लाभानु लाभाना मुतमम किम। उत्तर लाभाना मुतमम श्रेय। थर्ड केन स्विन प्रकाशते। उत्तर तपसा न प्रकाशते। चौथा यक्ष युधिष्ठिर संवाद कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। उत्तर यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत ग्रंथात् उद्धृतः। प्रश्न थर्ड अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदं कृत्वा लिखित। पहला व्यंजन चलति। उत्तर होगा संधि विच्छेद व्यंजनम प्लस चलती संधि का नाम व्यंजन संधि। सेकंड शिवस्य नाम दिगंबरः अस्ति। उत्तर दिगंबरः इक्वल दिक् प्लस अंबर क्या है व्यंजन संधि। थर्ड जगदीशः सर्वत्र वर्तते। उत्तर जगदीशः इक्वल जगत प्लस ईशः व्यंजन संधि। फोर्थ कोकिला मधुर गीतम गायंती। उत्तर मधुर गीतम इक्वल मधुर प्लस गीतम इक्वल व्यंजन संधि। प्रश्न फोर अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा गद्यासे प्रयुक्तानि अष्ट अव्यय पदानि चित्वा लिखित। उत्तर सर्वदा सेकंड एक एकदा यदा तदा एवं तत्र यत अपि। प्रश्न 5 पृथक पदम चिनुत। फर्स्ट नृत्यन्ति कृध्यन्ति करिष्यन्ति लिखन्ति। उत्तर करिष्यन्ति। सेकंड कुरु मिल नृत्य भक्ष्यतः। उत्तर भक्ष्यतः। ख निर्देशानुसारेण रूपम परिवर्तनम कुरुत। पहला राशि लेखम लिखति लिट लकारे। उत्तर राशि लेखम लिखिष्यति। सेकंड अनन्या नृत्यति लण लकारे। उत्तर अनन्या अनृत्यतः। तो ये पांचों क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।